सो मैं थोड़ा चेंज करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। ये पिछले ब्लॉग अगर आप लोग देखा नहीं होगा तो मैं गया था पाताली क्षेत्र, आप लोग देख लेना ब्लॉग। What's up everybody, I hope you all are doing great. I welcome you to this YouTube channel. वैसे मेरा नाम है चिरंजीवी तांडिया और जो लोगों से मिलना नई जगह जाना बहुत पसंद है, तो ये जो टेम्पल्स इन सोनपुर, टेम्पल्स इन सोनपुर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये दूसरे ब्लॉग पे वेलकम करता हूँ। तो यहाँ पे रात भर आज जगह होने वाला है। बड़ा सा जगह और यहाँ पे लोग अपना जो रात को प्रसाद होगा उसके लिए काम वाम करते हुए। तो ठीक है, मैं जाता हूँ नीचे और फटाफट से आपको वो महिमा धर्म के लोगों से थोड़ा मिलाता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग सो दैट आप और हम मेरे आने वाले वीडियो में बने रहें। और सी यू लास्ट ईयर। पीछे एक चाचू आ रहे हैं, ये क्या किए हैं, ये जो जग में लकड़ी लगता है वो काट के पूरा रेडी किए हैं। कहाँ पर आओ, छोट साइज नहीं है। ओके ओके, तो ये सब यज्ञ में रात भर जलाया जाएगा। ओके जैसे मैं नीचे उतरा मम्मी बोली कि सब जितने भी बाबा लोग हैं उनको माथा टेको, और हमने माथा टेका। जो हमारा दरवाज़ा है वो वहाँ पे भी संत कवि भीमो भाई का फोटो बनाया गया है। मेरे पापा हैं वो ये महिमा धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। इधर ज़्यादा बात नहीं करते पापा, या फिर जो बाबा जी हैं उनको किसी को पकड़ता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये महिमा धर्म का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं अभी भरत बाबा जी के पास हूँ। सो महिमा धर्म विषय किसी कहो बाबा। प्रभु परम ब्रह्म स्वामी श्रीनिवास जाकर परम महिमा ले, सर्वंत जम जाकर महाप्रह महिमा ले। भीमो भाई हमारा प्रथम प्रतिष्ठाता धर्मर प्रतिष्ठाता धर्म प्रचारक धर्म जो प्रचार करिसेंती भीमो भाई संत कवि भीमो भाई आम खलियापल्ली ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ କବି ଲେଖକ ରହିଥିଲେ ଚାରିପଟେ। ଚାରିଜଣ କବି ବସୁ ପଣ୍ଡା, ହରି ପଣ୍ଡା, ଧର୍ମ ଦାସ ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ଏ ଚାରିଜଣ ତାଙ୍କର ଲେଖାଳି ଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଏବଂ ସେଇ ଚାରିଜଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପଥରେ ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଲେଖକ ଥିଲେ ଭଜନ, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା, ଏ ସମସ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଦିଅନ୍ତ ଗୀତା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଧୃତ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଛପନା କରି ଯିବା ପାଇଁକି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ଆଜି ଘୃତାହୁତି କରାଯାଉଛି। ଏ ଘୃତାହୁତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ପିତାମାତା ଜୀବ ଜଗତ ପରିତ୍ରାଣ ହେବା। ଆଉ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଧର୍ମ ନେବାର? ଏ ଧର୍ମ ନେବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏଇଟା
1826 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇ ଧର୍ମ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏଇଟା ବାପା 1919 ଜନ୍ମ 1919 ଜନ୍ମ 101 ଚାଲିଲା ମଙ୍ଗଳ ଉପର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ରେ, ସଂସାର ସୁଖୀ ଉପର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ରେ, ଦେଶ ରକ୍ଷା ଉପର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ରେ, ବାଳକ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ଶୁଭ ତକ ଚଲେଗା। इक्कीस दीप लगने वाले हैं और ये हमारे लारा भाई ये अभी सुबोड़ा बोला रहा है सुबोड़ा खुला पर भीतर देंगे। ओके आजो आजो वो सबों ने ऑलरेडी रखा है जी ओके घिचो घिचो अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी सारे लोग आए हुए हैं और ये जो यज्ञ हैं इसको पूरा करते हुए मेरा आवाज़ पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, आई डोंट नो। और यहाँ पे यज्ञ शुरू हो चुका है, ये पूरा रात भर चलने वाला है ऐसे। गुड मॉर्निंग, इस 5:15 इन द मॉर्निंग और कोई तो आया मुझे उठाने के लिए, अभी उठ के फिर नहाना पड़ेगा और लाइट भी नहीं है और बहुत ठंडी है भाई साहब, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे भी कोई सोया था तो सुबह उठ के नहाना पड़ेगा और नहाने के बाद फिर जाके वहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह लेना पड़ेगा। तो वो जो दीप वगैरह हैं वो एज यूजुअल जल रहे हैं यहाँ पे और ओह माय गॉड सुबह तक इनका यज्ञ चालू है और भजन भी चालू है। क्या बजाते हैं लोग, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे ये चल रहा है Thank you।
और बहुत ही बढ़िया ऑसम। और मामा जी पैसा देते हुए भले बाबा आम जानवाके चाहूँ जे महिमा धर्मटा केन्ता आसला आपन टिके माने संक्षिप्त रे बतेई देले भल हता आउ आमर भीम भाईंक विषय किछि जानवाके चाहूँ तो बहुत ही क्या बोलते हैं इसको इंसान हम्बल थैंक यू पानी भी तो धन्यवाद आम जाइ मंदिर आड़े बुल बुला आस आज प्रसाद भी देले कल आम यज्ञ रखी गत काली तो भरत भरत बाबा जान भरत बाबा तो इच्छा है कि आस बुले आसमु जेहतु खलियापाल अच्छे